क्या आज तक इंसान ने हजारों साल हो गए हैं कभी देखा है कि सूरज जरा बराबर भी अपने ऑर्बिट से राइट हुआ हो या लेफ्ट हुआ हो? नेवर। और जब तक क्यामत नहीं आएगी, अल्लाह ताला की परमिशन नहीं होगी ना उनके, तब तक ये हिलेगा नहीं। बोलते हैं डेली सूरज निकलता है सुबह, जब घूम रहा होता है ना इंसान को आवाज़ें दे रहा होता है, ए इंसान तू अपने आप को देख और मुझे देख, तू अपना साइज देख, तेरा क्या साइज है, 6 फुट 5 फुट 4 फुट, और हाउ बिग आई एम, मैं इतना बड़ा होते हुए भी अपने रब की जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करता। लुक एट यू मैन, हाउ डेयर यू, वाओ इट्स सो डीप ब्रो, आई वाज थिंकिंग यार। अच्छा ये एक मिसाल है ब्रो, एवरीथिंग व कुल्लुन फी फलकिन यस्महून, यू टॉक अबाउट स्टार्स, अर्थ, मून, यार हर शय अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। आई वाज थिंकिंग, आई वाज सो ब्लोन अवे। साइंस देखें, आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन जो है तरक्की कर रही है। नाउ द साइंस हैज कम टू नो दैट यू नो फिश आल्सो यू नो दे अटर वर्ड्स, वो थोड़ी सी बीट्स बीप आवाज़ें आ रही थी। तो अब भाई मुझे पता चला कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हर शय जो है ना, लहू अस्समावातु सबउ वल अर्दु वमन फीहिन, यार इट इज़ सो डीप ब्रो, कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, सातों आसमान हिलते नहीं हैं अपनी जगह से, जो अल्लाह ने हुक्म दिया दे आर ओबेइंग इट। वल अर्दु वमन फीहिन वा इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, कोई चीज़ नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है जो अल्लाह ताला की तस्बीह ना बयान करती हो, लेकिन है इंसान तुझे समझ में नहीं। यार साइंस में जो अल्लाह ताला ने प्रोग्रेशन और एडवांसमेंट इंसान को दी है ना, मुझे ये लगता है वो भी इसीलिए दिया ताकि हम ना अल्लाह ताला के उस तक पहुंच सकें। द मोर यू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यू रियलाइज कि ये दुनिया पहले कितनी छोटी है, और इस आपको लगता है कि जो ऑर्बिट्स हैं और ये जो स्टार्स घूम रहे हैं जो करीब तरीन हैं शायद यही यूनिवर्स है। देन यू गो आउट फर्दर तो लगता है कि ये तो खुद एक स्पेक है आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, और यू कीप जूमिंग आउट और आपको लगता है कि यार दिस इज़ अ नेवर एंडिंग ब्लैक स्पेस यू नो, और इट्स एक्सपेंडिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, अगर इसको टोटेलिटी में आप देखें ना, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इट्स लाइक अ बल्ब, एक बल्ब का साइज होता है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इट इज़ 93 billion light years। अल्लाह, 93 billion light years इज़ ओनली द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसके बियॉन्ड क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ वेयर, दिस इज़ द फर्स्ट हेवन, ब्रो दिस इज़ द फर्स्ट। थोड़ा सा ना हमें एक्चुअली ना इसको डाइजेस्ट करने दें, ही इज टॉकिंग अबाउट 93 billion light years, 93 billion years के लिए लाइट ट्रेवल करते जा रही है थकने के बगैर। यार वल्लाही ऐसी नहीं, नॉट मिलियंस, नॉट 93 years, एंड इट्स नॉट सिंपल ईयर्स, इट इज लाइट ईयर मैन, मैं यकीन करें यू नो इट फील्स लाइक नॉट एग्जैजरेटिंग, जब ऐसे आयात सुनते हैं ना ये चीजें देखते हैं वल्लाही एक चीज बस करने को दिल करता है, अपना जो माथा है ना वल्लाही जमीन पे रख दो बस। एंड आई थिंक यू नो ये जो डिस्टेंस है जो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा, जरा ये एक मिनट के लिए सोचें कि हदीस में आता है कि आसमान पर कोई 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अल्लाह का कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत में मसरूफ ना हो। मा फीहा मौदउ अरब असाबी इल्ला व मलकुन साजिदुन लिल्लाह तआला। सो दिस इज सच अ बिग हेवन, और यहाँ पे कितने फरिश्ते होंगे यार, और अल्लाह ताला की बात, और ये दिस इज फर्स्ट हेवन, एंड देन द सेकंड हेवन व्हिच इज लाइक इफ यू डू द कंपैरिजन फर्स्ट टू सेकंड इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट, यू नो, एंड द सेकंड टू थर्ड इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट, एंड ऑल ऑफ द 7 heavens एज कंपेयर्ड टू द कुर्सी ऑफ अल्लाह सुभान व तआला इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। अल्लाहू अकबर, हाउ बिग अल्लाह सुभान व तआला इज एंड हाउ लिटिल वी आर, एंड देन ही सेंट हिज कलाम टू अस वेरी लिटिल, you know, we are speck on a speck on a speck, yes, we are non-existent basically, yes, we don't exist. Phir bhi wo bulaye hayya ala salah aur hum na jaye, hamari jurat hayya ala salah, फिर भी वो पुकारे कि मेरे बंदे है कोई मांगने वाला, मैं दुआ कबूल करूँ रात के तीसरे हिस्से में, और हम सोते रहे, वो कहे कि अस्सलात खैरु मिन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, मगर हम सोते रहे। इफ़ यू हैव दिस फीलिंग कि जिस रब के बारे में ये सब बात कर रहे हैं और सब ये है, वो मेरी बैक पे है, वो
मुझसे मोहब्बत करता है, अल्टीमेटली मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने बेशक कमी और वो मुझे ना बेशक मैं बागी बन के रहा हूँ, लेकिन ही इज़ वन सेकेंड अवे फ्रॉम मी, मेरे एक आंसू की देर है। पूरे जो है ना आसमान और ज़मीन की जो पानी है ना वो जहन्नम को नहीं बुझा सकता, मगर मेरे आँख का एक आंसू जहन्नम को बुझा सकता है, यानी मेरी जहन्नम है मुझे बुझा सकता है। सो यू आर अ सेकेंड डिस्टेंस अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हान तआला, आँखों से आंसू बहाए और अपने को राजी कर लें और पा लें उसको, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है।